राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान की फिल्म डंकी पॉजिटिव रिव्यूज के साथ नहीं खुली। आमतौर पर ऐसा होता है कि किसी स्टार की फिल्म से फैंस तो खुश दिखते ही हैं, लेकिन यहाँ कट्टर शाहरुख के फैंस भी डंकी को उनकी सबसे हल्की फिल्मों में से एक बता रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विकी कौशल और बोमन ईरानी जैसे तगड़े एक्टर्स थे। राजकुमार हिरानी जैसे जादुई डायरेक्टर थे, जिनके लिए कहा जाता है कि वो ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों को खुश रखना जानते हैं। फिर डंकी के केस में क्या चूक हो गई, डंकी को कमजोर फिल्म बनाने वाली वजहों पर हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि कुछ स्पॉइलर वाले सीन्स का जिक्र होगा, ऐसे में अगर आपने अभी तक फिल्म नहीं देखी है तो वीडियो सेव कर लीजिए और बाद में इस पते पर पहुंचेगा। तो सबसे पहली वजह है शाहरुख और तापसी की नो केमिस्ट्री। तापसी ने फिल्म में मनु नाम का किरदार निभाया है। मनु बिंदास किस्म की लड़की है, खुद की मदद के लिए किसी तारणहार पर निर्भर नहीं रहना चाहती है। ऐसा किरदार जिसके निशान तापसी की पिछली फिल्मों में भी मिलते हैं। बस यहाँ मसला यह है कि तापसी फिल्म में मनु कम और तापसी ज़्यादा लगती हैं। फिल्म के जिस हिस्से में उनके बुढ़ापे को दिखाया गया, वहाँ सिर्फ उनके चेहरे का मेकअप देखकर लग रहा था कि वो बुज़ुर्ग हैं। उसके अलावा उनकी आवाज़ की टोन, बॉडी लैंग्वेज सब जवान मनु जैसी थी। फिल्म में हार्डी और मनु की केमिस्ट्री बहुत मायने रखती थी। हार्डी वो इंसान था जो मनु के लिए कोई भी खतरा मोल नहीं सकता था। फिल्म में दोनों के रिश्ते में वो स्पार्क महसूस नहीं होती। शाहरुख और तापसी की जोड़ी वो टिपिकल रोमांस पैदा नहीं कर पाती। दूसरी वजह, ये ह्यूमर कब तक चलेगा। साल 2009 में राजकुमार हिरानी की फिल्म थ्री इडियट्स आई थी। फिल्म में चमत्कार वाले जोक्स थे। उस समय की सेंसिबिलिटी के हिसाब से किसी को आपत्ति नहीं हुई, ऑडियंस ने खूब लुत्फ उठाया। साल 2023 आ गया लेकिन हिरानी की फिल्मों का ह्यूमर नहीं बदला। एक समय जो फनी था, अब उस पर हंसी नहीं आ सकती। हम हमेशा किसी की कद कांठी पर कमेंट करके हंसी निकलवाने की उम्मीद नहीं कर सकते। समय के हिसाब से हिरानी साहब की फिल्मों के ह्यूमर को भी विकसित होना पड़ेगा। डंकी के एक सीन में बुग्गू एक महिला को कपड़े दिखा रहा होता है। उस महिला का वजन ज्यादा है। बुग्गू उसे दुकान में कपड़ा दिखाता है और वो कहती है कि छोटा साइज दिखाओ ना, देख नहीं सकते हो कि मुझे स्मॉल साइज आएगा। फिल्म में कुछ और पॉइंट्स पर ऐसी लाइन इस्तेमाल हुई है, जैसे बाल बढ़ा सकता है तो फिर काटना। इस तरह के कई जोक्स आपको देखने मिलेंगे। तीसरी वजह, इतना नकली कैसे दिख रहा है। ट्रेलर के वक्त काफी लोगों ने शिकायत की थी कि शाहरुख के जवानी वाले लुक में कुछ तो गड़बड़ है। दया फिर लगा कि फिल्म आने दो, क्या पता ऐसा सिर्फ ट्रेलर में ही लग रहा हो। फिल्म आई और उसमें भी शाहरुख खान की जवानी वाला लुक बहुत नकली लग रहा है। ऐसा डी एजिंग के चक्कर में हुआ। हल्के VFX की वजह से कुछ इमोशनल सीन्स को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। शाहरुख भावुक हो रहे हैं और आपका ध्यान उनके CGI वाले चेहरे पर जा रहा है। राजकुमार हिरानी अक्सर अपनी फिल्मों को शूट करने के लिए वास्तविक लोकेशंस पर जाते हैं, लेकिन यहाँ हिरानी पंजाब नहीं गए बल्कि पंजाब को मुंबई बुलाया गया। मेकर्स ने पंजाब वाला सेट वहीं बनाया है। बस कुछ जगहों पर साफ पता चल जाता है कि जिस ईंट के सहारे किरदार खड़ा है, शराब पी रहा है, रो रहा है, वो ईंट की दीवार ही नकली है। इससे सीन की इंटेंसिटी पर असर पड़ता है। डंकी की कुछ चीज़ें उसके हक में काम करती हैं तो कुछ नहीं। आप खुद फिल्म देखिए और तय कीजिए कि आपके लिए फिल्म के कौन से पहलू रोचक साबित हुए और कौन से नहीं, और कमेंट करके हमें भी बताइएगा। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी यमन ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।